हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे वर्क डिटेल्स अबाउट रोड रोलर एंड कॉम्पैक्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा रोड रोलर चल रहा है। ठीक, साइट पर लोग इसको रोड रोलर कहते हैं, लेकिन जो हमारी कंपनी ये बनाती है वो कॉम्पैक्टर नाम से बनाती है इसको। ठीक है, ठीक, इसका मोस्टली नाम जो होता है वो सिंगल ड्रम रोलर कहते हैं, या फिर थ्री व्हील रोड रोलर, और टेक्निकल भाषा में इसको वाइब्रेटरी रोलर कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें ये जो ड्रम है, ड्रम में वाइब्रेटर इक्विपमेंट होता है। ठीक है, यहीं पे होता है, देख सकते हैं वायर है, इसके थ्रू आपका प्रेशर दिया जाता है उस पर। ठीक है, ड्रम पे, और वाइब्रेटर जिससे वाइब्रेट करता है सॉइल हमारा कॉम्पैक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अब जो टायर होता है ना, उसमें देखिए ये ब्लॉक्स टाइप बने हुए हैं, फिर इसके ऊपर एक नंबर दिया रहता है, वो सारी गाड़ियों के ऊपर नंबर दिया रहता है, चाहे केस की हो या जेसीबी की हो। ठीक, ये टायर्स जो है, टायर्स पे ऐसे ब्लॉक्स बने रहते हैं ताकि वो सॉयल में जो एयर होते हैं उनको कॉम्पैक्ट करके बाहर निकाल सके। ठीक है, सॉयल में एयर नहीं होना चाहिए, वो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। ठीक है, देन फ्रेंड्स देख सकते हैं आप कि जो ड्रम है, ड्रम की जो स्टील है वो आपके 15 mm थिकनेस है उसकी। ठीक है, अब ये हमारा वर्क हो रहा है। ठीक, हमारा कॉम्पैक्टर चल रहा है साइड पर। तो वर्क क्या होता है इसका, 4 types से वर्क को डिवाइड किया गया है इसके। ठीक है, पहला सॉइल को इम्पैक्ट करना, पहले सॉइल को इम्पैक्ट करता है यानी उसमें से एयर जितने भी होते हैं सबको बाहर निकालता है। ठीक है, उसके बाद से प्रेशर डालता है सॉइल के ऊपर, प्रेशर डालते हैं। ठीक, थर्ड स्टेप होता है इसमें वाइब्रेशन करना। ठीक है, उसके बाद से वाइब्रेट करता है इस ड्रम जो है हमारा, वाइब्रेट करता है और सॉइल को कंपैक्ट कर देता है। ठीक है, लास्ट स्टेप जो होता है वो नीडिंग का होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग कि पहले क्या करते हैं, सॉइल के ऊपर इंपैक्ट करते हैं वाइब्रेट रोलर से या कॉम्पैक्टर से। ठीक है, उसके बाद से सॉइल को प्रेस करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, उसके बाद वाइब्रेटर यूज करते हैं उसमें। ठीक है, वाइब्रेशन करते हैं, और फोर्थ नीडिंग। ठीक है दोस्तों, जो रोलर होता है वो भी अपने लोड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कोई 8 टन के लोड की कैपेसिटी वाला होता है, कोई 5 टन का होता है, ठीक, कोई 2 टन का होता है। ठीक है, तो अलग अलग लोड के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। और आप देख सकते हैं कि जो टायर है, लोड को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कभी कभी कि टायर में जो है पानी भरा जाता है। ठीक है, लगभग 75% टोटल वॉल्यूम का 75% इसमें वाटर होता है, और 25% इसमें एयर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो कैपेसिटी होती है, अभी जो हम लोग कॉम्पैक्टर यूज कर रहे हैं ये 8 टन का है। ठीक, और बाकी टायर का वजन, क्योंकि इसमें 75% आपका वाटर है और 25% एयर है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका वजन जो है 8 टन के ऊपर हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉम्पैक्टर जो होता है ये 200 mm थिकनेस तक की लेयर को कॉम्पैक्ट करता है। ठीक है, यानी कभी हम ये, हमें ये कॉम्पैक्टर यूज करते हैं तो उस समय जो भी लेयर हम बिछाएं, ठीक, वो 200 mm की थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका अगर 200 mm थिकनेस से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो कॉम्पैक्ट करके 200 mm तक कर देगा। ठीक है, आप 220 ले सकते हैं एट लास्ट। ठीक, 20 mm वो कॉम्पैक्ट कर देता है। ठीक है, 20 से 25 mm कॉम्पैक्ट करेगा, यानी 200 mm रिजल्ट देगा आपको कॉम्पैक्ट करने के बाद। एयर्स जो भी उसमें होते हैं सबको निकाल देता है। ठीक।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडों के साथ।